जय हिंद। सभी सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों का स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद YouTube चैनल में। इस वीडियो में मैं कम से कम 4 से 5 न्यूज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूज है, तो आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देख लेना और फटाफट अभी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से आपको फायदा होगा कि कोई भी वीडियो डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन, जो भी न्यूज होगा, ताज़ा ताज़ा न्यूज, वो आपके पास पहुंचेगा और बेल घंटी का आइकन दबाने से आपको नोटिफिकेशन मिलता है। तो फटाफट से चैनल और बेल घंटी का आइकन दबा लें। चलिए, ये जो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये DADR के विषय में मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अभी जो आपका अप्रैल का महीना चल रहा है, अभी जो अप्रैल की पेंशन आएगी उस पेंशन में आपको 4% DA लगकर आ जाएगा। आपका एरियर की बात करूँ तो हो सकता है कि इसी अप्रैल महीने में 15 से 20 तारीख तक आपका एरियर आ जाएगा, नहीं तो आपका जो भी है पेंशन के साथ में एरियर भी जो अप्रैल के पेंशन आएगी उसमें आप लोग को मिल जाएगा। एक कैलकुलेशन भी करके मैं अभी बता दे रहा हूँ कि आप लोग का कितना तक बढ़ेगा। चलिए अब मैं कैलकुलेशन आप लोग को दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि मान लीजिए कि आपका बेसिक पे 13,508 रुपये है, उसके बाद DR आपका लगा 42%, तो आपका कितना हो जाएगा, 5,673 रुपया हो जाएगा। टोटल आपका कितना बनता है, 19,181 रुपया बनता है। उसके बाद मेडिकल भत्ता आपको 1,000 रुपये मिलता है, तो टोटल आपका पेंशन मंथली कितना होगा, 20,181 रुपये होगा। इस प्रकार से मैं एक आदमी का बता दिया, एक पेंशनर्स के लिए बता दिया, तो आप लोग अपना जोड़ लेना। वहीं अगली खबर निकल कर आ रही है कि अभी फ्रॉड चल रहा है, पेंशनर्स के साथ फ्रॉड चल रहा है जो कि मनी कलेक्शन कर रहे हैं, तो आप लोग इससे बिल्कुल सावधान रहें। जितने भी एक सर्विस मैन हैं, अगर आपको डोनेशन ही देना है तो जो रजिस्ट्रेशन है, जो जहाँ पर जो संस्था चल रही है रजिस्ट्रेशन है, चाहे वो जहाँ जिसको अथॉरिटी मिला है उसको ही आप डोनेशन करें, नहीं तो अदरवाइज बिना रजिस्ट्रेशन वाले को आप लोग ये डोनेट नहीं करें, पैसा आप लोग का ऐसे ही हवा में चला जाएगा। चलिए अगली खबर की फिर मैं बात करता हूँ। इस पर मैं पहले बात कर लेता हूँ कि जवानों के अधिकारों के लिए लड़ाई जारी, अफसरों के बराबर मिलेगा MSP। जी हाँ, सही बात है, होना भी चाहिए। जैसे कि 15,500 रुपये ऑफिसर को मिलता है, हमारे ऑफिसर को मिलता है, तो जवान को, जवान और JCO को भी बराबर होना चाहिए। इसकी मांग अब काफ़ी तेज़ हो चुकी है, तो आप लोग को जितना अब घबराने की जरूरत नहीं है, इस पर मांग अब तेज़ हो चुकी है। चलिए अगली खबर की ओर चलता हूँ। यहाँ भी देखिए अदर बेनिफिट में, यहाँ भी ऑफिसर को बहुत ज़्यादा फायदा है। अदर बेनिफिट क्या क्या है, जैसे MSP हो गया, तो ऑफिसर जो हमारे ऑफिसर हैं उनको मिलता है 15,500 रुपये, और जो हमारे JCO और OR हैं उनको मिलता है 5,200 रुपये। फिर इसके बाद आपको मैं बता देता हूँ कि फील्ड अलाउंस है, उसमें भी बहुत डिफरेंट है। जैसे हमारे ऑफिसर हैं उनको मिलता है 35,000 रुपये, और जो हमारे JCO और OR हैं उनको मिलता है सिर्फ 12,000 रुपये, इतना का डिफरेंट है। इसके बाद जो पोस्टिंग हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, उसमें भी डिफरेंट है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि ऑफिसर को मिलता है 1,00,000 रुपये और JCO और OR को मिलता है 15,000 से लेकर 35,000 रुपये। तो इस पर आवाज़ उठने लगी है। जैसे कि मान लीजिए कि एक फील्ड अलाउंस है, जहाँ पर मान लीजिए कि ठंडा है उतना ही, तो सभी के लिए बराबर है, JCO के लिए भी, जवान के लिए भी, अफसर के लिए भी बराबर है। गर्मी है तो JCO, जवान, अफसर के लिए भी बराबर ही है। हो सकता है कि जहाँ बर्फ पड़ता है तो वहाँ भी सभी के लिए बराबर है, तो फील्ड अलाउंस भी बराबर होना चाहिए, इसकी भी अब मांग उठने लगी है।